इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग स्पीड पोस्ट के कुरियर को कैसे ट्रैक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू कुरियर किया हुआ है तो आप लोग कैसे ट्रैक कर सकते हो कि आपका कुरियर कहां पर पहुंचा है, या फिर अगर आप लोग रिसीवर हैं तो भी आप लोग स्पीड पोस्ट के ट्रैकिंग आईडी से पता लगा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, कब तक आपको मिल जाएगा। सो इसको आप लोग कैसे ट्रैक कर सकते हो, सो इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। गाइज हम लोग देखेंगे कि आप लोग स्पीड पोस्ट के कुरियर को कैसे ट्रैक कर सकते हो। तो इसको ट्रैक करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को टाइप करना होगा यहाँ पे स्पीड पोस्ट। सिंपल यहाँ पे आप लोग स्पीड पोस्ट सर्च कर लीजिए। सर्च कर लेंगे तो जैसा कि आपको देख रहा है कि आपको वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक कंसाइनमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं से आप लोग प्रॉपर सही तरीके से ट्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोगों को कंसाइनमेंट नंबर पुट करना है, तो हम यहाँ पे इसको पुट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कंसाइनमेंट नंबर क्या होता है तो यही आप लोगों का ट्रैकिंग आईडी ही होता है। आप लोगों को जब भी स्पीड पोस्ट कुरियर से कोई भी प्रोडक्ट सेंड करवाते हो तो आप लोगों को एक रिसिप्ट मिलती है जिस पे ये आप लोगों को कंसाइनमेंट नंबर दिख जाता है। तो ये आप लोगों का रिसिप्ट पे देखोगे तो जहाँ पे लास्ट नंबर IN लिखा होगा तो यही आप लोगों का पूरा जो उसके पहले का नंबर और IN होगा यही ट्रैकिंग आईडी आप लोगों का रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को इसी फॉर्मेट में ट्रैकिंग आईडी आपको रिसिप्ट पे दिख जाती है, तो आपको यहाँ पे पुट करना है और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा बहुत हार्ड तरीके से आता है तो आप लोगों को इसको पहले रीड कर लेना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर द थर्ड नंबर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना भी नंबर दिखाया जा रहा है इसमें थर्ड नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर एक है तो एक टाइप कर दिए हैं। इसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पर जैसे ही आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का कंसाइनमेंट ट्रैक होने लग जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका ट्रैकिंग का पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग नीचे स्क्रोल करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि बुक किस प्लेस से हुआ है, कितने टाइम पे आपका कुरियर वहाँ से बुक हुआ है, किस डेस्टिनेशन पे आएगा, डिलीवरी के लिए कहाँ पे पहुँचा है। आप लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पर भी अपडेटेड हुआ है सब चीज़ें, जहाँ से आप लोगों का जितनी डेट को जहाँ पर पहुँचा है, जिस स्टेशन पर, जिस ऑफिस में, वहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि किस डेट को कितने बजे आपका कुरियर किस ऑफिस में पहुँचा हुआ है स्पीड पोस्ट के। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, डेट के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। सो ऐसे ही आप लोग पता लगा सकते हो कि आप लोगों का स्पीड पोस्ट का कुरियर कहाँ पर पहुँचा हुआ है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।